स्पेशल गिफ्ट दिखाता हूँ जो मुझे अब्बू ने गिफ्ट किया। एक चीज देखो, भी नाश्ता करने आए हुए हैं, सब बैठे हैं यहाँ पे, और एक बंदे की हमेशा की तरह जो है ना वो शुरू हो गई है चीची पैं पैं। क्या कह रहा है? गाने नाना मैंने। कौन कह रहा है? कौन कह सकता? शबैक मेरी बातों में, शबैक मेरी वीडियोस में, शबैक मेरी बाइक में, राइड में, शबैक मेरे सोता है साइड में। वेलकम टू शबैक गैंग, शबैक गैंग, शबैक गैंग। अस्सलाम वालेकुम शबैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आर एच एस एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सर्वाइवल चैलेंज में तो हमने देखा कि सबकी लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिफरेंट खुशियां होती हैं। खाना ना मिले तो लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट लगती है, खाना मिल जाए तो लाइफ कलरफुल हो जाती है। बहुत से यंगस्टर्स का सवाल रहता है कि हम भी यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, व्लॉगिंग करना चाहते हैं, बट हम बहुत बड़े बड़े और महंगे कैमरास अफोर्ड नहीं करते। आपको भी लाइफ ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट लगती है? इट विल ऐड कलर्स टू योर लाइफ। ये है इन्फिनिक्स 030, फर्स्ट टाइम एन एक्चुअल व्लॉगिंग फोन। फ्रंट व्लॉग कैमरा 120 Hz with 3D curved AMOLED display, 108 megapixel ultra clear camera, 45 watt super charger with 5000 mAh battery, Helio G99 6nm ultra power processor, up to 16 GB massive extended RAM। आज बॉयज के साथ प्लान बना अंदरून लाहौर की अर्ली मॉर्निंग राइड और नाश्ते Infinix 030 के साथ। तो इस फोन का आज हम ट्राई करेंगे 2K 30fps OIS plus EIS और 50 megapixel फ्रंट व्लॉग कैमरा। बंटी क्या हाल है भाई? एवा बंटी का बेटा है, लोगों को एवा कहता है। और जेडी सर्वाइवल चैलेंज के बाद ना होश नहीं आ पा रहा। आज जिंदा हूँ। और चला क्या हाल है? खैर हम लोग आए हैं जी आज राइड करते हुए। सुबह सुबह हमने कहा जरा सर्दियाँ आनी शुरू हो गई हैं, यही तो हमारे बाइक्स का मौसम है। राइड करते हुए पहुँचे हम लोग दिल्ली गेट, और दिल्ली गेट पे अभी करेंगे कोई ना कोई नाश्ते। तो सुबह सुबह एक हैवी अखीर माहौल होता है दिल्ली गेट का। ये एक भाई ने यहाँ पे सबसे पहले एंटर होते ही यहाँ पे लगाए हैं जी पाए और पाए पाए और मगज। इनसे पूछते हैं जरा क्या क्या इनके पास। आ गए हैं जी पाए शाए, क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक ठाक। क्या क्या लगा हुआ है नाश्ते में? भी मगज जुबान खत। ओए होए होए होए, सबसे मजे का क्या है इसमें? मगज या जुबान या खत, क्या खाएं? अच्छा, दिल्ली गेट की सुबह सुबह ये अंदरून की जो वाइब है, और वो हमारे बाइक्स खड़े हुए हैं यहाँ पे, सारे नाश्ते लगे हुए हैं। और ये एक भाई हैं जी यहाँ पे, इनके पास भाई जन क्या क्या? अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने भी वैसे ही जैसे मैंने पहले पूछा फिर बाद में सलाम किया। अच्छा, अंडा चने पाए हैं और वालेकुम सलाम। सही, ये आगे जी पाए, और इस तरफ आगे जी चने। ओए होए होए होए, चने आगे। ओ नहीं, नान आगे, चने तो पहले ही हमारे आ चुके हैं यहाँ पे। ओए टांगा गुजर रहा है जी पीछे, और ये आया हमारे पास नान। ऐसे जरा दिल्ली गेट बैठ के नान के साथ जरा चने लगा के, और ओ हो हो हो, टूट गए भी टूट गए नाश्ते पे, टूट गए। मैंने कहा जरा अंदरून आए हैं तो आपको 030 की कैमरा क्वालिटी चेक करवाऊं। ये इस टाइम 2K 30fps पे, और क्या खूबसूरत इसका रिजल्ट आ रहा है। अभी मैंने इसकी ऑन की है जी OIS, और आप देख रहे हो कि मैं इसमें हाथ हिला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये बहुत स्टेबल फुटेज है। आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ फोन्स इन माय लाइफ, लेकिन जो कैमरा क्वालिटी Infinix 030 ने दे दी है वो आपके सामने। ऑनेस्टली इतना नेक्स्ट लेवल Infinix का कैमरा मैंने पहले किसी भी मॉडल में नहीं देखा जो इसमें है, क्योंकि ये है बेसिकली व्लॉगिंग फ़ोन है। OIS मैंने इसका अभी ऑफ किया है। क्या हाल है मिस्टर वासिफ? मालिश करा रहे हैं अंदरून आके, अंदरून आके मालिश छोटे उस तरह बड़ा भी बांट दे थोड़ी थोड़ी। Aquella noche triste cuando yo te pedí, cuando baja el sol, me acuerdo de ti. Aquella noche triste. अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे जरा पेट्रोल के लिए, तो ये भाई मुझे मिले हैं, पूछ रहे हैं ये कौन सी बाइक, कैसी लगी बाइक? आपको पता है कौन सी बाइक है ये? हायाबुसा, हायाबुसा
सही है, अच्छी है, खूबसूरत। चलो जबरदस्त चलानी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, शिकरे पे मोस्ट डिजर्विंग इंसान बैठा हुआ है। सही है, अच्छा भाई देखो मैं बिल्कुल देसी आदमी सुबह दिल्ली गेट गए नाश्ता करने, ये हमारे जो फैंसी बॉयज हैं कहते हैं जी हमने कुछ फैंसी नाश्ते करने, क्या क्या खाने हैं? Some sausages with scrambled eggs and croissants. Black coffee americano, small americano. ते सारी उम्र तुसी नाली किनारे बैठ के जेड़ा ना बैठे खेड़े ने। अल्लाह ने मौका दिया तो आई हो मेरा भी आई हो। सेम चलो सेम जी। आज मैंने कहा अर्ली मॉर्निंग राइड हो रही है तो सारा माहौल जो ऑन कर दें, अंदरून की भी सैर हो गई और अभी हमारे बाइक्स पार्क हो चुके हैं यहाँ पे, बॉयज रेडी हैं नाश्ते के लिए। ओए होए होए जी नाश्ते आ गए हैं, बॉयज के नाश्ते आ गए हैं। मैंने मंगवाए जी ब्रेकफास्ट क्रोसॉन और जनाब मिस्टर शुएब फ्रॉम पतो की, आपने क्या मंगवाया? एक्सपेक्टेशन ऑमलेट। हाँ जी तला साहब, ओपन सैंडविच। ओए तला ने क्या ही जंबो चीज़ सुबह सुबह नाश्ते में मंगवा लिए। हाँ जी मियाँ साहब, क्लब सैंडविच मियाँ साहब का क्या बात है मियाँ साहब। हाँ जी मिस्टर डाइट बॉय, पत्ते पुते खा रहे हैं शुक्र अल्लाह का जो मिले। हाँ भाई चिकन चीज़ को। बॉयज जुड़ गए नाश्ते पे फुल। अच्छा भाई राइड करके हम लोग वापस आए, आने के बाद मैं सो गया क्योंकि सुबह जो है ना वो तकरीबन 4:30 बजे उठ के हम लोग निकले, दिल्ली गेट गए, फिर वहाँ पे नाश्ते वाश्ते वो सब करके वापस आए। अभी मैंने सोचा आपको एक स्पेशल गिफ्ट दिखाता हूँ जो मुझे अब्बू ने गिफ्ट की एक चीज़। ये एक हैंडमेड मोटरसाइकिल है और ये अबू ने मुझे गिफ्ट किया है एज ए अवार्ड कैनेडा सीरीज़ के लिए, जो कैनेडा में बाइक पे गया था। ये स्पेशल अबू ने ऑर्डर करके बनवाया, इसकी एक एक चीज़ जो है वो हाथ से बनाई हुई है। आई थिंक पेशावर से अबू ने बनवाया है, वहाँ पे एक बंदा है जो कि हाथ से ये बनाता है। इसके अंदर जो भी मटेरियल उसने यूज़ किया, ये ऊपर एक पेच लगाया हुआ है, सामने एक रिंग से उसने जो है वो हेडलाइट बनाई है। इतना खूबसूरत ये और हैवी, अच्छा खासा वेट है, मेटल का है पूरा ये। तो हमारे ये जो पहले दो बाइक्स हैं उनमें तीसरे बाइक का इजाफा हो चुका है। ऑल्सो इस बाइक से हटके इस टाइम भी मैं शूट कर रहा हूँ इन्फिनिक्स 030 पे, इसका OIS इस टाइम ऑन है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन। सुबह भी मैंने पूरी जो वीडियो बनाई है वो इस पे बन रही थी, उसमें अक्सर जगह पे OIS मैंने ऑन किया हुआ था, अक्सर जगह पे ऑफ था, ताकि उसका पूरा एक्सपीरियंस आपको फील हो सके कि एक्चुअल व्लॉगिंग फ़ोन है। और अभी जो भी आप में से सवाल पूछते थे मैं व्लॉगिंग करना चाहता हूँ और वो वाली चीज़ें, तो इसमें आप इजीली रिजल्ट आपके सामने, आपने खुद इस चीज़ को नोट करना है और OIS आपके सामने। मैं चल फिर रहा हूँ। खैर अभी तो असद की होने वाली है शादी, आप लोगों को पहले भी मैंने एक टाइम पर बताया था कि असद की शादी करीब है, तो अब असद की शादी बिल्कुल कुछ ही दिन रह गए हैं। तो असद हम लोगों को दे रहे हैं जी अपना बैचलर्स ट्रिप, जिसकी तैयारियाँ भी करनी है यहाँ पे एक को बहुत ज़्यादा है बैचलर्स ट्रिप की। अभी पैकिंग शेकिंग शुरू होनी है, कुछ ही टाइम में सारे बॉयज़ आने वाले हैं, वो आ जाएंगे, फिर हम लोग अपना सामान वामान गाड़ी में रखेंगे और उसके बाद निकलना है। आज देखते हैं कहाँ जाते हैं, अभी कोई प्लान बनाया नहीं हुआ कि हम लोगों ने कहाँ जाना है, बट प्लान है कि असद का बैचलर्स ट्रिप करना है। कौन सा बैग लेके जाऊँ, एक मेरे पास ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, ये तो मेरा नहीं है लेकिन ये काफ़ी बड़ा बैग है, मुझे कुछ छोटा बैग बना। पैकिंग वाला काम थोड़ा सा लंबा है, अभी बैग किसी कबर्ड में पड़ा हुआ वो निकालना है, निकाल के फिर उसके बाद पैकिंग शेकिंग करनी है। पैकिंग करने के बाद टाइम ज़्यादा नहीं रह गया हमारे पास असल में, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह। Cuando baja el sol, solo pienso en ti, solo pienso en ti.